गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी व्याकरण पार्ट 10 वचन यानी नंबर। ये आपके पास पार्ट 10 है। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था लिस्टिंग वाला लेसन, बताया था मैंने आपको, और आज है कि वचन यानी नंबर। जैसे हम किसी संख्याओं का ज्ञान कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नंबर या वचन कहते हैं। जैसे ये क्या है, पेंसिल। तो एक पेंसिल है, इसलिए क्या पता लग रहा है, एक संख्याओं का पता लग रहा है। और ये कितने पेंसिल है, 3 पेंसिल है, तो इससे क्या पता लग रहा है, एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो रहा है, एक से अधिक नंबरों का पता लग रहा है। ये एक पेंसिल है, इसे एक संख्या का ज्ञान हो रहा है। ये एक से अधिक पेंसिल है, इसे अधिक एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो रहा है। अब है ये क्या है, एक किताब। एक कितने है, एक किताब। तो इससे क्या लग रहा है कि एक संख्या का ज्ञान हो रहा है। और ये कितनी सारी है, ये 3 किताबें हैं, एक से अधिक संख्याओं का इसमें क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो अब इसमें क्या है, हमारी वचन की परिभाषा, जिन शब्दों द्वारा एक या अधिक होने का ज्ञान होता है उन्हें वचन कहते हैं। कि जिन शब्दों द्वारा, यानी हमारे पास एक शब्द क्या था, पेंसिल। क्या शब्द था, पेंसिल। एक होने का ज्ञात होता है। तो उसके बाद हमारे पास एक या अधिक, अधिक क्या थी, एक से अधिक क्या थी, वो 1, 2, 3, एक से अधिक होने का ज्ञात हो रहा था, तो उन्हें हम क्या कहे थे, वचन कहते हैं। जैसे क्या है, तोता। आपने देखा होगा, तोता देखा होगा, कैसे कलर का होता है, हरे कलर का होता है। तो तोता, और यहाँ पे कितने हैं, एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो रहा है, तो कितने क्या हो रहे हैं, तोते, मतलब एक से अधिक है, 2 तोते है ना। फिर है यहाँ पे पतंग। आपने पतंग उड़ाई होगी, बनाई होगी, पतंग है, तो एक पतंग है, और यहाँ पे एक से अधिक क्या है, पतंगे हैं, 2 पतंगे हैं। तो ये थी हमारी वचन की परिभाषा, कि जिन शब्दों द्वारा एक से अधिक होने का ज्ञान होता है, या ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। कि एक से अधिक संख्याओं का हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं। अब है वचन के वेद। और वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है, कि एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि पेंसिल, ये क्या है, एक। इससे क्या पता लग रहा है कि एक संख्या का ज्ञान हो रहा है, कि एक कितनी है, एक। तो इसमें है कि एक वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्दों को, एक वस्तु है ना, एक पेंसिल है, एक क्या है, एक बुक है। कितनी बुक है, एक पुस्तक के लिए है, एक किताब के लिए, एक संख्या का ज्ञान हो रहा है, एक पेंसिल का ज्ञान हो रहा है। तो इसमें परिभाषा है कि एक वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। हमारे पास एक पेंसिल है, और एक संख्या का ज्ञान हो रहा है, और एक शब्द का ज्ञान हो रहा है। जैसे बच्चा, एक बच्चा है, आम और तोता। यहाँ पर देखा होगा आपने, एक तोता है, तो एक क्या है, एक शब्द का ज्ञान हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। फिर है बहुवचन, कि एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान कराने वाले शब्दों को, यानी एक से अधिक, एक से कितने पेंसिल है, कितने हैं, एक से अधिक पेंसिल है, 3 पेंसिल है, तो एक से अधिक हो रही है, तो एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, तोते, एक से अधिक है, और यहाँ पे क्या है, तोता, एक संख्या है, और यहाँ पे क्या है, तोता का क्या होगा, तोते, तो एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो रहा है। फिर है पतंग, एक पतंग है, तो एक वचन का ज्ञान हो रहा है, और पतंगे हैं, एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, बहुवचन। यह है कि वचन के वेद। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक संख्याओं का ज्ञान हो रहा है, और बहुवचन में एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो रहा है, जैसे तोता का तोते, और पतंग का पतंगे। और जैसे यहाँ पे दे रहता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हो रहा है कि एक वस्तु का ज्ञान हो रहा है, और एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, जैसे बच्चा का बच्चे, आंख का आंखें, तोता का तोते।
तो ये था बच्चे हमारे वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक संख्या का ज्ञान होता है और बहुवचन में एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान।